लेके एजुकेशन की जो खस्ता हाली है हमारे हिंदुस्तान में उसको लेके कि अब ख़ास तौर पे गांव में विलेज में जिस तरह एजुकेशन को तवज्जो नहीं दी जाती और तवज्जो क्या नहीं दी जाती जो कुछ तो माँ बाप ही इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसा लगता है टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा काम चलाऊ सा एजुकेशन को लेके लोगों का नज़रिया हो गया जो कि ज़िंदगी की सबसे अहम जो मकसद है वो एजुकेशन ही है अगर आप अपनी ज़िंदगी बनानी है तो सबकी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए क्योंकि एजुकेशन के बगैर एक कदम भी आगे चलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एजुकेशन से ही आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं तो उसी को मद्देनज़र रखिए फिर नज़रिया बना के हमने शुरू की है। सर अभिनय क्षेत्र देखिए कलाकार की जो शिक्षा है वो ज़िंदगी की शिक्षा होती है हम तो स्कूल में तो पढ़े ही रहते हैं लेकिन उसके अलावा जो हमें शिक्षा हासिल करनी चाहिए वो ज़िंदगी से हम जो ज़िंदगी से लोगों की ज़िंदगी से किताबों से और ख़ासतौर पर ज़िंदगी से लोगों की ज़िंदगी को पढ़ कर क्यों हमारा पेशा ही उस तरह का है कि अपनी ज़िंदगी तो हम जी लेते हैं लेकिन दूसरों की ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है या जो नज़रिया है या समझने का नज़रिया एक दूसरी रूह को समझने का जो नज़रिया है वो एक्टर को ही आता है और एक्टर ही कर सकता है तो अपनी ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं एक्टर को एक नई ज़िंदगी जीने का जो मौका मिलता है बस वही मज़ा है देखिए चरित्र अभिनेता तो पहले भी ये सब कैटेगरी बना ली है कोई चरित्र अभिनेता है कोई हीरो है कोई होता कुछ नहीं एक्टर सभी एक्टर ही होते हैं चाहे वो छोटा रोल करे चाहे बड़ा रोल करे अगर छोटे रोल को हटा दीजिए तो बड़ा रोल जो कर रहा है या बड़ा जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा कोई मतलब नहीं है ये खामखा की कैटेगरीज हैं मैं तो ना कभी कोई चरित्र अभिनेता समझता हूँ ना कोई वो चरित्र सभी का अगर चरित्र नहीं है तो अभिनेता किस काम का फिर क्या अभिनय करने जा रहा है फिर उसको अभिनेता कहेंगे कैसे अभिनय का जो नेता हो जो अभिनय कर रहा हो वही तो होगा वो चरित्र चरित्र क्या चरित्र नहीं होता क्या स्टार के लिए जो इसको आप बड़ा एक्टर कहते हो क्या उसमें चरित्र नहीं होता कोई चरित्र नहीं करता तो ये सब अलग अलग सी बातें मैं इनको नहीं मानता मैं सिर्फ एक्टर को एक्टर मानता हूँ और वो चाहे वो चरित्र हो चाहे चरित्र के बगैर तो एक्टर हो नहीं सकता सीधी बात ही है।